का छा चढ़िया पहाड़ा जो कांचणुआ ओ का छा चढ़िया पहाड़ा जो कांचणुआ। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हिम चक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे भरमौर की लोक संस्कृति के ऊपर। दी नमस्ते। नमस्ते दी, भरमौर के कल्चर के बारे में कुछ बताएं आप। भरमौर का कल्चर बड़ा बढ़िया है। हमारे भरमौर के 84 देवता वास करते हैं। हमारे भरमौर एक महीने मेला लगता है। भरमौर बड़ा बढ़िया कल्चर है। मनी सारा जो मेला होंगे दूर दूर जात रहा जड़ी मांग कर सब दिन पूर्व दी। पुराने और आज के भरमौर में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? यार पुराने चराने मन जड़ थी से दान चार थी तो अजर जड़े ना से आज बड़े बड़े अफसर लग छुरे नौकर मुलाजम लग छुरे आज के उतने बड़ा फर्क है। दी भरमौर की जो शिक्षा है उसके बारे में पुराने और आज के वक्त में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले पढ़ने का साधन कोई नहीं थी तो आज के उस बीच आज कॉलेज खुली छूरे आईटीआई कॉलेज पढ़ने का बड़ा साधन। दी आप अपने बचपन की कोई बात बताएं। बचपन वाली गल के बताने हल्के हल्के थी अस तो स्कूल लगन देती है बाबूआ सौगी स्कूल लगन देती है अस बाबूआ मेरे अम्मा बाबा मुझे पंजी दस ही दिन देती है तस मेरे बाबू ले लैनी मुझे मानना जे मुख ते जो दबल करके दिनों तो तेन तेजी पूछ दे मेरी पंजी घर गए से बंद पेटा चली गए। दी ऐसे हमारा भरमौर का जो पुराना कल्चर है वो तो बहुत सीधा साधा था, अभी तो वक्त के साथ थोड़ा बदलाव आया है। आप कोई ऐसे बात बताएंगे कि उस वक्त में और इस वक्त में कोई ऐसी बात जिसमें फ़र्क आया हो? तीन टाइम में आज के टाइम में बड़ा बड़ा फर्क है। तीन टाइम में कपड़े धोते थे तो कपड़े धोने जो साबुन ना बुंदो थे निरमा ना बुंदो थे आज मशीन चल पी साबुन चल पे तीन टाइम में सोने कपड़े धोते थे डोडे कने दौड़ कने डोडे से कपड़े धोते थे कने अजकल लोग बड़ा सुविधा हुई छुरी सिलेंडर ले ली रहे मेरे पहले पुराने तीन टाइम पर जमाना दे तुझे छिड़ी लेनी तो चुल्ल बालनी तो रुट्टी बनानी तो अजकल झट गैस बाली रोटी बनाई मिनट में जितनी बच गई तो तीन टाइम में बड़ा बार उसी बैग स्कूल लगा तो छिड़ी आनी स्कूल लगना। दी हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूअर्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुके बनना अपना खान ना बोलना चाहिए अपना लान ना बोलना चाहिए अपनी जड़ी बचपन की याद अपनी जे भी किसी पिछे रहा खरा बुरी गल बोलना ना चाहिए। थैंक यू दी हिमचक्षु व्लॉग्स के लिए बात करने के लिए और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर नए व्लॉग पर नए विषय पर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद जय हिमाचल।